फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि नई रेसिपीज आपको फौरन मिल जाएं। आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ बहुत ही मजेदार सा बेबी आलू गोश्त। बहुत ही टेस्टी बनता है ये, बिल्कुल जिस तरह से हम लोग शादियों में जाते हैं उसी तरह से बनता है। ये मैंने पॉट में हाफ कप ऑयल ऐड किया है और एक बड़े साइज की प्याज ली है। प्याज को हमें ब्राउन कर लेना है। ये देखिए प्याज ब्राउन हो गई है, इसे हम निकाल लेंगे। जिस ऑयल में मैंने प्याज फ्राई की थी उसी ऑयल में आप आलू भी फ्राई कर लेंगे। ये मैंने दो आलू लिए हैं। आलू को इतना फ्राई करना है कि ये ऊपर से हल्के से गोल्डन से हो जाए। और जब भी इसमें आप आलू लें तो बड़े बड़े पीसेस में ही लें। देखिए आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इस पर गोल्डन कलर आ चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इसमें अच्छा सा कलर आ गया, इतना ही चाहिए था। अब इसे निकाल लेते हैं। इसी ऑयल में ऐड कर देंगे गरम मसाले। ये मैंने खड़े गरम मसाले लिए हैं, इसे ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून जीरा लिया है, 1 बड़ी इलायची ली है, 4 हरी इलायची, 1 इंच का सिनेमन स्टिक, 6 लौंग, 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1 जावित्री का फूल लिया है। ये थोड़ा सा पक जाए इसमें इसका फ्लेवर आ जाए, उसके बाद इसमें मटन ऐड करेंगे। देखिए अच्छे से पक गए हैं, अब इसमें मैं मटन ऐड कर रही हूँ। ये मैंने 1/2 kg मटन लिया है। साथ ही में इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे सबको अच्छे से भून लेंगे। अरे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूने इसे। ये देखिए मैंने मटन को 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब इसकी फ्लेम को मैं स्लो कर देती हूँ और इसमें हम मसाले ऐड कर लेते हैं। अभी इसे जो गरम मसालों के साथ इसे भूना है तो बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है इसमें। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून देगी लाल मिर्च। हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून इसमें अनारदाना डालना है। मैंने अनारदाना लिया और उसे कूट लिया है। इन सबको मिक्स कर देंगे पहले। फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया जिससे मसाले जले नहीं। और साथ ही में इसमें ऐड कर देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दें। और इसमें अब ऐड कर देंगे दही। दही लिया है मैंने 1/2 कप। दही को अच्छे से फेंट लिया है पहले मैंने थोड़े से पानी के साथ।
जब आप दही को पानी के साथ प्लेट लेते हैं तो ये फटता नहीं है, फिर सबको मिक्स कर दें। और इसे भी हम भून लेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेगा ये। देगी आलू गोश्त, देखिए पकने लगा है, इसे करीब पकाने में 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। 4 से 5 मिनट बाद इसे हम देखते हैं। फिर ये देखिए बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी में इतना ऐड करना है कि इसे 80% तक कुक कर जाए। इसे कवर करके रख देते हैं स्लो फ्लेम पे। करीब 35 से 40 मिनट में ये 80% तक अच्छे से कुक हो जाएगा। उसके बाद इसे देखेंगे, बीच में खोल के देखते रहें एक दो बार। ये देखिए इसे गोश्त को पकते हुए करीब 35 मिनट हो चुके हैं। बीच में मैंने दो बार खोल के चला दिया था इसे। ये देखिए इसमें थोड़ा सा पानी रह गया, मैंने सिर्फ इसमें 1 कप पानी ऐड किया था, बाकी जो गोश्त का पानी था वो रिलीज हुआ है। इसे हम भून लेंगे, इसे 80% तक कुक करना था, इसे भून लेंगे। ये देखिए इसका पानी ड्राई हो चुका है और गोल्ड भुनने लगा है। अब इसी स्टेज पे इसमें ऐड कर देंगे आलू, जो आलू हमने फ्राई किए थे उसे ऐड कर देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। साथ ही जो प्याज को ब्राउन किया था उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। प्याज को पीसे नहीं, हाथ से ही क्रश कर लें उसे। अगर आप पीस लेंगे तो उसका पेस्ट बन जाएगा और जो मसाला है वो दानेदार नहीं बनेगा इसका। इन सबको अच्छे से मिक्स करके भून लेना है। ये देखिए ये अच्छे से भुन गया है, इसमें ऑयल है बिल्कुल अलग हो रहा है, देखें आप। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक रहती है। ये मैंने 1 कप पानी ऐड किया है अभी इसमें। आलू भी गलना है। थोड़ा पानी और ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि अभी इसमें करीब 10 से 12 मिनट और पकेगा आलू को गलाने के लिए। ये देखिए ये बस इतना ही ऐड करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है अभी से, वो खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। फ्रेंड्स, आपके साथ मैंने बहुत सारी रेसिपीज शेयर करी हैं। आप अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 हरी मिर्च। इसे कवर करके पका लेते हैं, जब तक आलू हमें गलाना है अच्छे से, जब तक आलू गलता है इसे पका लेंगे और फ्लेम को थोड़ा स्लो कर दें। आलू गोश्त को पकते हुए करीब 8 मिनट हो चुके हैं, इसे खोल के देख लेते हैं। आलू चेक कर लेंगे कि गले कि नहीं गले। देखिए बहुत ही आराम से टूट रहा है, बिल्कुल गल चुका है। और देखिए आप, ये इसमें ग्रेवी जो है काफी थिक रहती है। आपको मैं दूसरे स्पून से दिखाऊंगी। इसमें भी हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसे चला देंगे
मैं आपको इसकी ग्रेवी दिखाऊंगी कितनी रहती है। देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है इसकी। इतना ही रखना है इसे। और इसमें ऐड करेंगे साथ ही में केवड़ा वाटर, हाफ टी स्पून तक केवड़ा वाटर ऐड कर देंगे, ये ऑप्शनल है। इसे कवर करके रख देंगे एक मिनट तक और गैस को बंद कर देंगे। उसके बाद मैं आपको इसे सर्विंग डिश में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए लाजवाब से देवी आलू गोश्त बन के बिल्कुल तैयार है। बहुत ही टेस्टी बना है और देखिए आप देखने में ही इतना अच्छा लग रहा है तो टेस्ट के तो क्या कहने। तो आप लोग अपने किचन में इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। और देखते रहें मेरे चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इन्जॉय करें देवी आलू गोश्त। विश यू वाज किचन। थैंक यू।